दोस्तों इंदौर के विजयनगर चौराहे से मैं अमित जलधारी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का कॉरिडोर ये जैसा आप देख रहे हैं, ये विजयनगर की रोटरी के ठीक ऊपर का ये फ़ोटो है का विजुअल है सॉरी। और दोस्तों आने वाले कुछ महीने जो हैं, जो 4-5 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी के MD मनीष सिंह आज इंदौर में थे और उन्होंने कई तरह की जो महत्वपूर्ण जो टाइमलाइन है वो तय की हैं। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे। तो दोस्तों बहुत जल्द जो सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है इस पार्ट का, जो कि गांधीनगर मेट्रो डिपो से लेके सुपर कॉरिडोर रेल ओवर ब्रिज तक बनना है, तो वहाँ तक सेगमेंट लॉन्चिंग और पिलर निर्माण तो सब चल ही रहा है। मैंने आपको दिखाया था स्टेशन निर्माण भी चल रहा है, लेकिन अब वहाँ पे पटरियों का भी अब जो काम है, जो पटरी ले करने का, वो भी अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जिंदल स्टील जो है वो बहुत ही जल्द इंदौर और भोपाल के लिए पटरियाँ जो है सप्लाई करना चालू कर रही है, चल रही है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन के भी जल्द ही टेंडर होने की प्रक्रिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि अभी फ़िलहाल जो प्रायोरिटी कॉरिडोर बन रहा है वो गांधीनगर या एयरपोर्ट से कहें तो रोबोट चौराहा जो कि रिंग रोड पे स्थित है वहाँ तक बन रहा है। लोगों को ये बहुत चिंता है कि रोबोट चौराहे से आगे क्यों नहीं काम दिख रहा है, यानी सिटी की तरफ। तो दोस्तों इसको लेके भी एक महत्वपूर्ण अपडेट ये आया है कि बहुत जल्द है जो है रोबोट चौराहा से लेके आगे पलासिया तक ये पूरे मेट्रो कॉरिडोर का एक जो नोटिफिकेशन है वो औपचारिक रूप से जारी हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है वो विधिवत रूप से यहाँ पे भी जो टेंडर हैं वो फ्लोट हो जाएंगे मेट्रो ये कॉरिडोर बनाने के। और ये मुझे लगता है 2 से 3 महीने में ये प्रक्रिया दोस्तों ये पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो आगे के हिस्से के लिए लोन लेने की प्रक्रिया है वो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी ने वो कर दी है। और दोस्तों बाकी जो ये सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का जो काम है वो आज पूरा रिव्यू किया है ये इसको जो सांसद और MD मेट्रो रेल कंपनी ने, और उन्होंने जल्द से जल्द ये निर्देश दिए हैं। पहले सुपर कॉरिडोर ब्रिज तक का काम जो है वो सितंबर 2023 तक करने की प्लानिंग थी, और जिसे अब बढ़ा के जिसको अब कम कर दिया 1 महीना, अब ये काम जो है सितंबर के बजाय अगस्त 2023 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ क्लियर कर दूं, लोग ये समझ रहे हैं कि अगस्त या सितंबर में मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी, जबकि चलने नहीं लगेगी, ये केवल ट्रायल बेसिस पे चलेगी, यानी खाली विदाउट पैसेंजर ये ट्रायल होगा, कोई आम पब्लिक के लिए नहीं खोला जाएगा। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि मेट्रो रेल कंपनी मेट्रो ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो तभी चालू करेगी जब एक बड़े हिस्से में लोग वहाँ पे आ जा सकें, क्योंकि अब गांधीनगर से लेके सुपर कॉरिडोर ब्रिज तक तो कोई आएगा नहीं, वो लोग तभी इसका उपयोग करेंगे जब ये सिटी ये तक कॉरिडोर बन जाएगा। तो मुझे लगता है एटलीस्ट पलासिया तक तो या रोबोट चौराहा तक तो ये मेट्रो कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा, तब जाके जो है वो जो मेट्रो ट्रेन का जो ऑपरेशंस हैं वो सब चालू होंगे। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी ने कोचेस के निर्माण के लिए भी जो है ठेका है वो कंपनी को दे दिया है, और बहुत जल्दी MD शायद बेंगलोर की कंपनी है, तो बहुत जल्द ही MD भी वहाँ पे जाने वाले हैं दौरा करने। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स हैं इंदौर मेट्रो को लेके, बाकी और समय समय पर जो भी अपडेट आएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेट्रो कॉरिडोर और उसके काम आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।